हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे समोसा और कुछ खास टिप्स एंड ट्रिक के साथ। अगर आप इसे घर में बनाते हैं तो बहुत आसान तरीके से आप घर में बहुत ही यम्मी और डिलीशियस समोसा बना के तैयार कर सकते हैं। तो चलिए अब बनाना स्टार्ट करते हैं। 2 कप मैदा लेंगे। मैदा आप अपने मेजरमेंट के हिसाब से ले सकते हैं। अब यहाँ पर हम 1 टीस्पून अजवाइन लेंगे। अजवाइन को हम हाथों से अच्छे से क्रश कर लेंगे, उससे इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। और यहाँ 1/2 टीस्पून करीब हम नमक डाल लेंगे। 4 टेबल स्पून हम घी डालेंगे। आप यहाँ पर रिफाइंड भी डाल सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे आप यहाँ पर डाल लीजिए। इन सभी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मोइन हम इसलिए डालते हैं ताकि हमारा जो समोसे का ऊपरी परत है वो बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार हो। ये देखिए, ये हाथों से अच्छे से बन जा रहा है। इसका मतलब है यहाँ मोइन बिल्कुल परफेक्ट पड़ा है। इसे हम नॉर्मल पानी से गूथेंगे। आप अगर ठंडी में बना रही हैं तो पानी को थोड़ा गुनगुना कर लें और इसे गूथें। इसे हमें बहुत ही ना तो सख्त गूथना है ना ही बहुत मुलायम गूथना है। जैसे हम पूरी का बनाते हैं आटा, उस तरीके से बना लेंगे। इसे हम 10 से 15 मिनट तक रेस्ट करने के लिए रखने दें। यहाँ हम स्टफिंग के लिए मसाला बनाएंगे। धनिया, सौंफ और जीरा 1-1 टेबल स्पून धनिया और सौंफ लेंगे और 1/2 टीस्पून हम जीरा लेंगे। इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लेंगे। जब इसमें अच्छे से खुशबू आने लगे गैस बंद कर देंगे और दूसरे प्लेट में निकाल कर इसे ठंडा कर देंगे। जब ये ठंडा हो जाए हमें क्रश करना है। इसे हम साइड कर देते हैं। अब यहाँ हम 5 से 6 उबला हुआ आलू लेंगे। आलू को हम कद्दूकस नहीं करेंगे, आलू को हम छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। समोसे में जब आलू खड़े रहते हैं तो बहुत अच्छा आता है इससे स्वाद। पैन में करीब 4 टेबल स्पून देसी घी डालेंगे हम। देसी घी से जो स्वाद होता है स्टफिंग का वो बहुत ही यम्मी आता है। जीरा डालकर ग्रीन चिली चॉप करके इसमें डाल देंगे। इसे भून लेंगे और यहाँ पर अब हम 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक डाल देंगे। इसे भी हम चला लेंगे। अब काजू और किशमिश इसे भी डाल देंगे। डालने के बाद इन सभी चीजों को चला देंगे। भूनने के बाद इसमें हम उबला हुआ आलू डाल देंगे और इसे ऐसे ही चलाते हुए इसे भुनेंगे। यहाँ हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, इन चीजों को डालकर इसे हम भुनेंगे। इसे थोड़ी थोड़ी देर पर हम ऐसे ही भूनते रहेंगे। अब हम इसमें मटर, ये फ्रोजन हमने यूज किया है। अगर आप फ्रोजन नहीं यूज कर रहे हैं तो जीरा डालने के बाद मटर को डालकर वहां पर थोड़ी देर पका लें। जब मटर सॉफ्ट हो जाए तब इसमें सारी चीजें डालें। फिर अब ये देखिए हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। हमने रोस्ट किया हुआ था मसाला, उसे अब इसमें हम डाल देंगे। ये क्रश किया हुआ मसाला डालने के बाद बस ज्यादा से ज्यादा 2-3 मिनट के लिए इसे हम भुनेंगे। इसे हमें आलू को अच्छे तरीके से भुनना है ताकि इसमें थोड़ा सा भी पानी ना रहे। और ये देखिए, ये नीचे से हमें थोड़ा सा लगने देना है। अगर जब नीचे आलू लगता है तो ये बहुत ही अच्छा इससे स्वाद आता है, सुनहरा सुनहरा भुना भुना की तरह बहुत ही अच्छा स्वाद आता है।
ये भुन चुका है, अब हम इसे साइड कर लेते हैं। इसे बिल्कुल ठंडा करने देंगे। जब ये ठंडा हो जाए तो अब ये देखिए आटा हम जो लगा के रखे हुए थे छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। काटने के बाद गोल पेड़ा के तरह सेव देंगे। थोड़ा डस्टर लगाएंगे। डस्टर दोनों तरफ से लगाकर हमें बेलन की सहायता से बेलना है। क्योंकि ये हमें खींच कर इसे थोड़ा बेलना होता है कि ये हमेशा सिकुड़ता रहता है। हमें इसे बहुत ही मोटा भी नहीं बेलना है, ना तो बहुत पतला बेलना है। बिल्कुल आप जिस तरीके से रोटी बनाते हैं उस तरीके का इसे हमें चारों तरफ से एक जैसा बेलना है। बेलने के बाद इसे ओवल शेप देना है हमें। इसे कट कर लेंगे दो भागों में। और ये देखिए सिकुड़ रहा है, तो इसे थोड़ा सा हम बेलन से फिर एक बार हल्के हाथों से थोड़ा बढ़ा लेंगे। इसमें हम एक छोर पे हम ये पानी लगाएंगे। इसे बहुत सावधानी से हमें जोड़ना है। ये देखिए इसे हमें कोन का शेप देना है। अब इसके अंदर हम जो अपना मसाला बना के तैयार रख किए हुए हैं इसे डाल देंगे। पूरा ऊपर तक नहीं भरना है क्योंकि हमें ऊपर से भी इसका मुंह बंद करना है, तो इसमें थोड़ा जगह छोड़ देंगे। और अब हम ये चारों तरफ यहाँ पर पानी अच्छे से लगा देंगे ताकि ये फ्राई करते वक्त फटे नहीं, हमारा तेल भी खराब ना हो। ये देखिए यहाँ पर हम थोड़ा सा फोल्ड करेंगे हाथों की मदद से और इन दोनों छोर को हम अच्छे तरीके से हाथों से दबा देंगे। ये देखिए समोसा कितना ही अच्छा शेप बन के तैयार हुआ है। इसी तरीके से हम दूसरा भी बनाएंगे। ये थोड़ा छोटा लग रहा है, थोड़ा सा हम इसे बढ़ा लेंगे और इसी तरीके से दूसरा भी हम इस तरीके से बना के तैयार कर लेंगे। और इसी तरीके से आप पहले सारे समोसे बना के तैयार कर लें। ऐसा मत कीजिए कि एक तरफ फ्राई करें और एक तरफ बनाएं। इसे हमें थोड़ा बनाने के बाद थोड़ा देर रेस्ट देना है ताकि इसमें जो भी मॉइस्ट हो वो खत्म हो जाए। इसे साइड कर लेंगे और आधा एक घंटा के बाद हम इसे फ्राई करेंगे। आधा एक घंटा हो चुका है, तो अब हम पैन रखे और अब इसमें ऑयल डाल दिए। जब हल्का गर्म हो ऑयल तभी हमें इसे डालना है। अगर हम तेज आंच में डाल देंगे तो इसमें बबल्स आने लगते हैं। हमें इसे 5 से 6 मिनट लो मीडियम पे करना है और फिर 5 से 6 मिनट के बाद हमें हीट बढ़ाना है मीडियम पे करके इसे गोल्डन ब्राउन करना है। समोसा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। ये देखिए कितना अच्छा बन के तैयार हुआ है समोसा। आप भी इस तरीके से बनाइए। इसे हम ग्रीन चटनी या फिर टोमेटो सॉस या फिर आप इसे इमली के चटनी के साथ भी खाइए। इसका स्वाद बहुत ही लाजवाब आता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।